एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में आप फोकस्ड हो जाते हैं, लाइक स्कैनिंग में आप एक जनरल आउटलुक ले रहे हैं और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डायनेमिक्स हैं ओवरऑल एनवायरमेंट में, जो चेंजेस आ रहे हैं एक जनरल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में आप थोड़ा फोकस्ड पर्सपेक्टिव देखते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ट्रेंड्स इवॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज इवॉल्व कर रही है उनका क्या पैटर्न है, हाउ आर दे एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि लेट्स से वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लेट्स से अब कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लीन एनर्जी का. आप देखते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश एस में भी पढ़ा, जनरल साइंस में भी पढ़ा होगा एंड करंट अफेयर्स में भी, कि देर आर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स लाइक पेरिस अकॉर्ड जो कि बात कर रहे हैं कार्बन इमिशंस के कट करने की. अब वहां पर जब क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट होगा. सो दैट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या आ रहे हैं, आर द ट्रेंड्स गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, और व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ यू नो द फ्यूल इंडस्ट्री, और इन सब को कंसिडर करते हुए जो आप डिसीजन्स लेंगे दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट thing that we're going to talk about is comparative intelligence.